प्रदेश सरकार द्वारा राशन वितरण प्रणाली के लिए लाए गए डिजिटल राशन कार्ड परेशानी का सबब बने हुए हैं। ये कार्ड लोगों के लिए सुविधा कम और मुसीबत ज्यादा है। डिजिटल राशन कार्ड बनाने से डिप्पू होल्डर्स को खासी परेशानी झेलनी पड़ रही है। विभाग द्वारा भेजे गए डिजिटल राशन कार्ड पुराने डाटा पर भेजे गए हैं, जिस कारण परिवारों को राशन वितरण में भी परेशानी आ रही है। गौरतलब है कि सरकार ने इस महीने से राशन को नए सिस्टम से वितरित करने के आदेश जारी किए हैं और डिप्पू धारकों को दी गई मशीन केवल डिजिटल कार्ड में दिए गए सदस्यों की ही गणना कर रही है, जिसके कारण डिप्पू धारकों के अलावा आम जनता भी प्रभावित हो रही है। हमीरपुर प्रदेश में डिप्पू संचालक समिति के महासचिव अशोक कवि ने कहा कि सरकार ने पुराने रिकॉर्ड लेकर कार्ड बनाए हैं, जिसके कारण कई परिवारों के लोगों में सदस्यों की संख्या में भिन्नता पाई जा रही है, तो कहीं पर नए राशन कार्ड होने के बावजूद पुराने परिवार में उन्हें दर्शाया जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि सरकार इस अवसर पर जल्द ही कोई फैसला करे, ताकि आम जनता के साथ डिप्पू धारकों को हो रही परेशानी से छुटकारा मिल सके। ये जो नए राशन कार्ड हिमाचल प्रदेश के अंदर बने, तो ये जो जिनको ये जिम्मा दिया गया था राशन कार्ड बनाने का, तो मैं समझता हूँ कि ये 2013 का जो डाटा था, जो एप्लीकेशन फॉर्म 2013 में भरे गए थे, वो राशन कार्ड जो बनाए गए वो उसी आधार पर बनाए गए, जैसे किसी परिवार में उस वक्त 8 सदस्य थे, तो वो अब जो है उसमें कई बार सेपरेशन हो चुकी है, किसी की डेथ हो गई है, किसी की शादी हो गई है, तो उस 8 सदस्यों वाले जो राशन कार्ड थे उसमें अब किसी में 4 रह गए हैं, किसी में 3 रह गए, किसी में 2 रह गए हैं। लेकिन जो राशन कार्ड अब बन के आए, डिजिटल राशन कार्ड जो बन के आए, उनमें अभी भी वो 8 ही सदस्य जो राशन कार्ड वो दर्शा रहा है। और ऊपर से हमें ये बोला जा रहा है कि आप जो राशन देंगे लोगों को, जो राशन वितरित करेंगे, वो उन्हीं जो डिजिटल राशन कार्ड है उनके थ्रू ही आप उनको राशन देंगे। लेकिन जब हम राशन उससे देने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो मशीन वही डाटा उठा रही है जो 2013 में था, जो 8 सदस्य उसमें राशन कार्ड में पहले थे उसी वही दर्शा रही है, लेकिन उस राशन कार्ड के अब जो 3-3 राशन कार्ड बन चुके हैं, तो इससे जो है वो हमें डिप्पू धारकों को ज़्यादा समस्या आ रही है, और जो कार्ड धारक है हमारे उन्हें भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो मेरा ये कहना है कि जब तक इन राशन कार्डों की, डिजिटल राशन कार्ड जो हैं, इनमें जो करेक्शन है वो नहीं की जाती, तब तक पॉस मशीन के थ्रू राशन देना जो है वो डिप्पू धारकों के लिए जो है वो एक बहुत बड़ी सिरदर्दी है। तो मैं ये कहता हूँ कि इनमें करेक्शन करने के बाद ही डिपो में जो राशन है वो पॉस मशीन के थ्रू देने की प्रक्रिया को शुरू किया जाए। वहीं प्रदेश डिप्पू संचालक समिति ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में कार्यरत सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के गोदामों में इलेक्ट्रॉनिक भारतलोक मौजूद नहीं है, जिसके कारण आने वाले सामानों के भार में भिन्नता पाई जाती है। कवि ने कहा कि प्रदेश में कई जिलों से कम भार वाला सामान मिलने की शिकायतें आ रही हैं, परंतु विभाग कुछ भी नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि सिविल सप्लाई के गोदाम से आने वाले खदानों के अलावा आटा मिलों से उन्होंने कहा कि सिविल सप्लाई के गोदामों से आने वाले खदानों के अलावा आटा मिलों में सही चेकिंग न होने से डिप्पू धारकों पर जुर्माने का डर मंडराता रहता है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकार इस गोरख धंधे पर अंकुश लगाने के लिए कोई कदम उठाए, नहीं तो डिप्पू धारक आंदोलन करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। मुझे पता चल रहा है प्रदेश के अन्य जिलों से मुझे दूरभाष के थ्रू डिप्पू धारकों ने बताया कि जैसे चंबा है, सोलन है, सिरमौर है और मंडी जिला है, यहाँ पर यहाँ की मुझे मेरे पास जो खबर आई है, लोगों ने मुझे डिप्पू धारकों ने बताया कि इन जो सिविल सप्लाई के जो गोदाम हैं, उन सिविल सप्लाई के गोदामों में जो राशन ग्रॉस वेट वाली जो खाद्य सामग्री है उसको बिना तोले ही डिप्पू धारकों को दिया जा रहा है। उनके पास तो ना कि उनके पास के मतलब वो भी जो इलेक्ट्रॉनिक जो भार तोलक है वो भी इन गोदामों में अभी तक नहीं लगे हैं, और एक जो कांटे पुराने जमाने के जो कांटे लंबी चेन वाले कांटे हैं, भार तोलक हैं, वही उनके पास पड़े हैं, और वो भी दिखावे मात्र के लिए उन्होंने रखे हुए हैं। उनके थ्रू भी राशन जो है वो डिप्पू धारकों को तोलकर नहीं दिया जा रहा है, जिससे डिप्पू धारकों को हजारों रुपये की चपत जो है वो लग रही है, और उनको जो राशन है वो बहुत कम मिल रहा है, और वो लोगों को राशन देना जो है उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया, डिप्पू धारकों को राशन पूरा करना मुश्किल हो गया है। तो मेरी ये सरकार से डिमांड है कि इन ऐसे जो सिविल सप्लाई के गोदाम हैं, इनके ऊपर छापेमारी की जाए और इनके ऊपर शिकंजा कसा जाए, ताकि डिप्पू धारकों का जो आर्थिक नुकसान हो रहा है इससे उन्हें राहत मिल सके। मैं ये भी कहूँगा कि जब हमारे अधिकारी या हमारे निरीक्षक जब डिपो पर निरीक्षण करते हैं, तो जितना माल कम पाया जाता है तो उसका जो बाजारी रेट है उससे 3 गुना, उसके रेट से 3 गुना रिकवरी जो है वो डिपू धारक से की जाती है। तो जब भी हमारे पास निरीक्षक या अधिकारी आएंगे, तो ये नेचुरल है कि हमारे पास जब पीछे से कम आएगा तो हमारे पास भी कम पाया जाएगा। तो हमें जो है वो विभागीय अधिकारियों द्वारा डराया धमकाया जाता है, और अधिकतर जुर्माना भी हमारे से जो है वसूला जा रहा है।